नमस्कार, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, बिग न्यूज को स्वागत करुची मु शारदा प्रसाद। दर्शक बंधु, आम आज आलोचना करवा एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। गुरुत्वपूर्ण प्रसंग ये साधारण जनता स्वार्थ बा आम युवपीढ़ी मानकर स्वार्थ, बेकारी समस्या हटिबो, बेकारी समस्या कमिबो एवं निजुक्ति बढ़िबो। वास्तव में ये कथा कहिले समस्ते हुए तो 2024 निर्वाचन परे ये कथा को नहीं ओडिशा रे नुआ सरकार आसी, डबल इंजन रो सरकार आई। जदि आपण 24 वर्षर सरकार को देखिबे सेतळे गोटिए कथा कोआ जाउथला, केतबळे केन्द्र को दाई करा जाउथला, केतबळे पूंजी आसुथला, निवेश करी आसुथले ओडिशा। वास्तव रे जागा अधिग्रहण करिया को लंबा समय लागुथला, लंबा टाइम लागुथला, कोटी अशांति सृष्टि होता, केतबळे परिवेश विभाग तरफ रु मिलु नथला, तांको माने क्लीन चिट मिलु नथला, चाकुने बहु समस्या समाधान होउथिले, मध्य समस्या घेरेरे थिले। केते पूंजी निवेशकारी आसुथिले, केतबळे फेरी जाउथिले, केतबळे ए निवेशकारी हेबो कि न हेबो, कोन ओडिसार भाग्य बदलिबो कि नाही। वास्तव रे आम ओडिसा रे जेतबळे पूंजी निवेशकारी आसीबे बा कंपनी माने आसीबे, सेतबळे आम ओडिसार लोके महिला पुरुष चाकरी पाइबे कि नाही, ये गोटे बड़ समस्या नहीं। आ विषय विस्तृत आलोचना करवा, प्रथम गोटे रिपोर्ट देखा, तापर शो को आगे नवा। यहीपाई दिल्ली ग्रस्तर अच्छा ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुई दिन धरी दिल्ली ग्रस्तर अच्छा, गोटे रिपोर्ट देखा, तापर शो को आगे नवा। दिल्ली गस्तर मुख्यमंत्री मोहन माझी, पूंजी नवेशकारी मुख्यमंत्री करे वन टू वन आलोचना, आसंता पांच वर्ष में 5 लाख कोटी नवेश योजना, ओडिशा को अधिक पूंजी आनिबा सह आगामी दिन में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाइबा लक्ष्य नहीं गत कालीठू दुईदिनिया दिल्ली गस्तर अछन्ति ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। देश विदेश उद्योगी आलोचना करी ओडिशा रे पूंजी निवेश प्रस्ताव देवा तांकर एही गस्तर मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री विभिन्न देशर राष्ट्रदूत को भेटि विदेशी निवेशकों को आसंता जनवरी रे हेबाकु जाउथबा उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव सम्मेलनी को निमंत्रण करिवे। एही निवेशक सम्मेलनी रे तांको सह शिल्प मंत्री संपत चंद्र स्वाई ओ विभागीय अधिकारी माने जोग देबे। गतकाली दिल्ली गस्त पूर्वरु मुख्यमंत्री ए संपर्क रे सूचना दे कहिसेंति जे एहा मध्यरे किछि उद्योगिक सह आलोचना सरीछि। गत 100 दिन भितरे 45,000 कोटी पूंजी ओडिशा को आसी सारी। 2025 जनवरी रे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव आयोजन हेबो। एहा जनवरी 28 ओ 29 तारीख दुई दिन धरी चलिबो। एबे दुईदिनिया दिल्ली गस्तरे थिबा मुख्यमंत्री विभिन्न निवेशकों सह वन टू वन आलोचना करिवे बोली कहिछन्ति। राज्य रे 5 वर्ष रे 5 लाख कोटी टंकार पूंजी निवेश लक्ष्य रखा जाइछि। विशेषकर फूड प्रोसेसिंग, आईटी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र रे पूंजी निवेश उपरे प्राथमिकता दियाजिबो। ए दिगरे विभिन्न पूंजी निवेशकों सह आलोचना करा जिबो। ओडिशा रे पूंजी लगाण तथा शिल्प प्रतिष्ठा संबंध रे थिबा सकारात्मक इकोसिस्टम संबंध रे मुख्यमंत्री अवगत कराइबे। आसंता वर्ष जनवरी 28 ओ 29 तारीख रे उत्कर्ष ओडिशा 2025 कनक्लेव पई दिन धार्य होईछि। ब्युरो रिपोर्ट, एमबीसी टीवी। दर्शक बंधु, आमर जो प्रसंग रही आज गुरुत्वपूर्ण प्रसंग ये बढ़िबो निजुक्ति। वास्तव में जदि निजुक्ति बढ़िबा कथा आसे ताहले समस्त मनरे गोटे खुशी लहर देखा जाए, से महिला हो, युवक हुंतु बा जेकोसी वर्गर लोक हुंतु। बहु लोके ओडिशा रे कोरोना महामारी परे अनेक लोक चाकरी हरिछन्ति, हुए तो भारतर कोण अनुकोण रे ओडिशा रु जाई चाकरी करथिले। बहु कंपनी बंद हो जाए, बहु संस्था ऑफिस रे ताला पड़ी, किंतु ओडिशा रे बहु लोक चाकरी हरिछन्ति। निजर योग्यता अनुसार से माने चाकरी पाउनांती। वास्तव में निजुक्ति बढ़िबा को हेले पूंजी निवेश कर आवश्यक रही। ओडिशा एक उपकूल ओडिशा जदि कुआ जाए, पूर्व ओडिशा रा विकास कथा भारतीय जनता पार्टी सरकार कहुतला बा डबल इंजन सरकार कहुतला, ओडिशा रे सरकार अछि। ए विषय आम विस्तृत आगु को आलोचना करिबा। वास्तव में पूंजी निवेशकारी बढ़िबे एवं 100 दिन रे जहां आम पाखरे सूचना अछि, मुख्यमंत्री कहउछन्ती 45,000 कोटी पूंजी ओडिशा को आसी। 45,000 कोटी टंकार पूंजी ओडिशा को निवेश करा जायछि। वास्तव में आम सहित अच्छा दिलीप साहू, भुवनेश्वर ब्यूरो चीफ अच्छा, सहित सीधासल कथा हाँ। दिलीप, आपण को कार्यक्रम को स्वागत। वास्तव में 100 दिन सरकार जा, नुआ सरकार आसी, पुराणा सरकार गलापर वर्तमान आम सरकार आसी,
वास्तव में आम सरकार 45,000 कोटी टंकार जो पूंजी ओडिशा को आसी बहु इन्वेस्टर ओडिशा आसीबे ओडिशा एक शिल्प हब हम कहीं ओडिशा रे वास्तव में खणी पानी सबू अच्छी जदि देखा जाए पानी रो अभाव ना ओडिशा रे जदि जो पूंजी निवेशकारी आसंती बा जो कंपनी माने आसंती वास्तव में तांको पई पानी रो आवश्यक थाए ओडिशा रो लाइफ लाइन कुआ जाउथवा महानदी आम पाखे अच्छी अनेक नई अच्छी जहाद्वारा बहु निवेशकारी ओडिशा आसुचंती वास्तव में बेले फेरी जीवार कथा देखा जाए बहुत लंबा समय देखा जाए जहाँ पूर्व कहती जे दुई र केन्द्र एवं राज्यर मिलित समन्वित रहू नथिला वर्तमान दुईटी सरकार केन्द्र रे भारतीय जनता पार्टी रे सरकार एवं ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रो मोहन माझी मुख्यमंत्री केन्द्र रे भारत रो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले अतृति हम ना जहाँ डबल इंजन सरकार दिलीप आपको कि भाव में देखुं दिलीप साहू देख सारदा गोटे क्या कह चाहिए ये क्या कहते कि आम सरकार देखो प्रथम कह आरंभ कहते डबल इंजन सरकार क्या कहतु आम सरकार क्या कहतु देखो कथ चला जो देखा 18 December 21 जो प्रथम कनक्लेव आरंभ होता है मेक इन ओडिशा से दिन ठू आज जाए मैंने 23 कथा कहतु 22 कथा कहतु जो कनक्लेव सब टीसीएल कथ कहतु अदानी कथा कहतु ये कंपनी कौटना कौटे आसूल से जैसे चर्चा होता बहुत जोर कहीं समय बीजेपी गोटे विरोधी बड़ विरोधी भूमिका करुता से बारंबार एलिगेशन करुला कि जे कंपनी सब आसुचार भित्तिमि पाना ओडिशा फेरी जुटे और जो कथा एवं आम डिस्कसन करुच्छ ओडिशा मानने मेक इन ओडिशा परिवर्तन है ना नुआ ना हो जाए उत्कृष्ट ओडिशा मानते मेक इन ओडिशा आम आउ कह कौटना कौटे भूल हो पाए आगे निहां कहीपर तो जो डबल इंजन सरकार कथ कहते आप देखो जिते बीजेडी और बीजेपी कथ आसुला से समय बार बार कहीपर गोटे कथ बीजेपी गोटे कथा कहते कि आम जो डबल इंजन सरकार आज कथा कहते कि बीजेपी सपोर्ट करजेपी सपोर्ट कौटना कौटा गोटे प्रश्नवाजी सृष्टि करना आगे सहित मुझे 5,00,000 कोटी टंका पचीस वर्ष सरकार वर्षे 100 दिन सरकार रे 45,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश जो ओडिशा होती यहाँ कौटना गोटे बड़ इंडिकेट करुच्ची आगक केमती समृद्ध ओडिशा हो पार सहित जो बेकारी समस्या कौटी कौटे दूरीभूत हम डबल इंजन सरकार आम निपर कहीं जितने ओडिया अस्मिता कथ कहतु डबल इंजन सरकार कथ कहतु सहित आम गोटे जिसपर लोक सरकार कथ कहु आप देखु जो मोहन माझी सरकार अच्छा कौटना कौटी समस्त सीधा सड़क लोकों सहित विश्वचार लोकों सीधा सीधा टचअप रोते लोकों प्रोब्लेम सीधा से बुझी पड़े तो तार गोटे पॉलिसी आम निपर सारद ना वास्तव में मोर प्रश्न रहा जे 100 दिन सरकार रे 45,000 कोटी टंका पूंजी निवेश करा जाई वास्तव में 5 वर्षर दायित्व दि जाइए ओडिशा रो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जदि आपण मुख्यमंत्री वक्तव्य देखंतु बा भारतीय जनता पार्टी सभापति जे मनमोहन सामल से गोटे कथा कहते आम 25 वर्ष बनाम 5 वर्ष जदि 25 वर्ष नवीन बाबू को दि जाए पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दि जाता विजु जनता दल को दिया मात्र 5 वर्ष वास्तव में ये सब जो जो असुविधा ओडिशार अच्छी से मानने से कष्ट निवारण करेंगे लोकंर ये देखिए आप 100 दिन में जो जो प्रतिश्रुति सब दि जाऊला से प्रतिश्रुति धीरे 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 कार्यकारी होती तार गाथा सारा ओडिशा रे कहा जा 100 दिन सरकार 100 दिन मोहन माझी सरकार जो सब सुविधा करी सुविधा होती लोकों पाखे पहुँचुच आज गोटे बड़ समस्या जहाँ देखा ओडिशा कहीं सारा भारत वर्ष निजुक्ति कथा वर्तमान ओडिशा रे निजुक्ति बढ़िबो ओडिशा रे 2 दिन धरी मुख्यमंत्री दिल्ली में आलोचना करेंगे पुंजी निवेशकारी सहित वन टू वन आलोचना करेंगे बहुत पुंजी निवेशकारी आसीबो आपण भावुचंती को बड़ बड़ कंपनी ओडिशा को आसीबे अनेक कंपनी तो ओडिशा को आसीथिले वर्तमान केन्द्र रे सरकार राज्य रे सरकार आउ असुविधा हुए तो हबो नाही जा आशा करा जाउची ता आगु कोन घटिबो ता तमे जानु को बड़ बड़ कंपनी आसीबो बोली आपण पाखरे किसी श्रमिक सूचना आसी कि दिलीप निश्चित देखो जो कह जो अपडेट नहीं पार पाखापाखि 34 जो बस 43 कंपनी सब कहते देश जो बस आम आशा निहतीपर कि देखो IOCL कथ कहु PPL कथ कहु GSPL कथ कहु TCS कथ कहु सेल कथ कहु MCL कथ कहु NTPC कथ निपन स्टिल जोटा कि नहीं कि बहुत बड़ चर्चा होता है निपन स्टिल कड़े फेरी जाती किंतु एवं से कथ कौटे नुआ मोड़ नौ राजनीति में निपन स्टिल एजेंट पुणी फेरुची पुणी ओडिशा तार उत्कृष्ट
तो आम जी आलोचना करवा निपोन स्टील गोटे प्रथम भूमिका निहाते प्रथम देखो देखिए निपोन स्टील क्या कहते हैं जो अमाउंट इनवेस्ट करते अमाउंट तो डिक्लेयर करनी कि आम निहाती आशा कर बड़ अमाउंट से डिक्लेयर हो जाए आगे तो जब यही तर्जमा करवा कौट ना कौन शेष फलाफल यह आसो जो बड़ धरण गोटे इनवेस्ट हो सहित जो निजुक्ति क्या निजुक्ति मत गोटे बड़ धरण सुधारी पारे निशापर टीसीएस क्या कहतु टीसीएस क्या कहतु जो पेट्रोकेमिकाल क्या कहतु जो टीसीएस तो पेट्रोकेमिकाल ये दुटा कंपनी क्या कह देखो पेट्रोकेमिकाल आपति जानते निकट में पेट्रोलियम गैस क्या कहतु पेट्रोल तैयारी क्या कहतु पेट्रोल खी बाहर क्या कहतु ये विभिन्न दिगक ना दिगरे कौटना कौट चर्चा होता कि बहुत दिगरे ओडिशा समृद्ध कहवा जो खी क्या कहतु पा क्या कहतु सब दिगरे ओडिशा समृद्ध ओडिशा अच्छी से समृद्ध ओडिशा को नजर पकेबा जो समृद्ध ओडिशा आग को जो दिगर बढ़ुची जो दिग को बढ़िया जाऊँच तो से दिगरे कौट ना कौट समृद्ध ओडिशा आगे हवाक जाऊँच तो बीजेपी सरकार जो कहते या कौन कौट गोटे प्रकार निहतार कि आगामी दिन यह निहती फलप्रद हम तुम्हें कह चाहिए देखो टीसीएस निपोन स्टील आउ पेट्रोकेमिकल माइक्रो फाइनान्स ये सब अच्छा कंपनी गुडाक मान में सब बड़ घटना टेक्सटाइल टेक्सटाइल बिजनेस देखिए ओडिया हस्तंत्र नहीं सारा विश्व में गोटे बड़ तात्पर्य सृष्टि करते ओडिशा हस्तंत्र बहुत उत्कृष्ट मूलक उत्कृष्ट धारण तो जो टेक्सटाइल कथा कहवा टेक्सटाइल कौटि ना कौट ओडिशा आगामी दिन बहुत भविष्य उज्जवल अच्छे समलपुरी कना कहतु खोर्धा कना कहतु ये लोकाल कथा कहते कोरापुट कना कहवा ये जो कना कथ कहतु कना को लेकिन कौन न्यायपर कौन उत्कृष्ट हो पार आउ कौन भल चल टेक्सटाइल इंजीनियर हो पार बड़ फोकस कर दिग सहित आम देखा कोरापुट जो अच्छी खणी आंदेश्वर खणी ये खणी में बहुत सारा ये आम आगामी भविष्य ओडिशा गोटे उज्जवल निहतीपर तो ये दिग को आम निोकस कर जो कंपनी सब आसतु कि टेक्सटाइल क्या कहतु कि पेट्रोकेमिकाल क्या कहतु कि अदानी अंबानी क्या कहतु कौटना कौटी निहत आम आशा कर आगामी दिन में ये कंपनी बड़ धरण गोटे इनवेस्ट करेंगे इनवेस्ट करने सहित ओके दिलीप मोर गोटे प्रश्न ये फूड प्रोसेसिंग आईटी केमिकल पेट्रोकेमिकल ये सब पूंजी निवेशकारी ओडिशा आसिबे वास्तव में ओडिशा रे जदि आपण देखिबे 30 जिला मध्ये उपकूल ओडिशा बा पश्चिम ओडिशा जो दुईटी अच्छी पश्चिम एवं पूर्व पूर्व ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा प्रायत तो सेठी बेसी कंपनी माने आसंती वास्तव में ये कंपनी माने आसिले पूंजी निवेशकारी आसिले वास्तव में ये दादन श्रमिक कथा बहुत इश्यू कर 24 वर्ष धरी दादन श्रमिक किभली भाव में दादन खटिंट दादन जाऊँगी लोके गुजरात सुरत जाऊँगी वास्तव में जहाँपाई ओडिया अस्मितार कथा कही भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा को आसला निश्चित भाव में समस्त मनरे गोटे खुशी लहर सृष्टि लाइपाई जे बास्तव में भारतीय जनता पार्टी सरकार आसार भारतीय जनता पार्टी डबल इंजिन सरकार आसिले आम लोक आउ दादन खटिवाक जीवे वास्तव में निहाती पूंजी निवेशकारी आसवा दरकार बड़ बड़ हब हाँ दरकार आपत देखिथे निर्वाचन समय रे भारतीय जनता पार्टी तार जो प्रचार सोशल मीडिया हैंडल ले बहुत लोके बाहर थिले जो पिला माने बाहर थिले पूर्वतन मुख्यमंत्री को वीडियो वार्तार देखुले म नवीन बाबू आपत देखु आम कर्णाटक काम करुचु आम गुजरात में काम करुचु वास्तव में आम ओडिशा एमती कंपानी हेनी कि आम ओडिशा काम पाइबू ना ना से वीडियो सोशल मीडिया रे भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करागला तार बड़ भूमिका रहा भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा आसवापी विजु जनता दल सरकार परिवर्तन हला ये कथा को निश्चित कौटना कौटी स्वीकार करने को पड़ो वास्तव में ये जो समस्या पश्चिम ओडिशा पूर्व ओडिशा जो दादन कथा देखा पड़े पश्चिम ओडिशा पटे ये दादन कथा टिके कमिबो कि दिलीप जो आम जो दादन कथा कहते रिकल कर चाहे मन कर चाहिए जितने दादन सब ओडिशा आसी प्रवासी ओडिशा आसी समय गोटे मन पकड़े स्पिनिंग मिल के बहुत चर्चा होता है आप मन थी निहती कथा बोधे आम बहुत जल्दी बीजेडी सरकार स्पिनिंग मिल को फोकस कर सुगर केन मिल ये दुटा जिस बहुत फोकस कराइला कितु सेटा होना है आम भी जानते ओडिशावासी से कह चाहू ना मुझे गोटे जिस कह चाहिए जितने दादन कथा उठी दादन श्रमिक डे बै डे ओडा बढ़ी बढ़ी चलती सेटा मुख्य कारण आप जानते सारा ओडावासी भी जानते कमी रखा से कथ का उत्तर भी नाला कि से समय जो समय कि मोदी सरकार कथ कहतु कि बीजेपी सरकार कथ कहतु बीजेपी जो तर प्रतिश्रुति बार्ता निर्वाचन इश्तेहार देता कि आम ये ग्यारंटी देखिए आसू मोदी ग्यारंटी देखिए आसू आगे यह करूँ जो फोकस करवा कौट दादन को आम आशा करें एक्जेक्ट कही पारे दादन संख्या कमी जाइ पार कि आम यहाँ कही पार जदि जो मोहन सरकार जो कथा कहते कि आगामी पांच वर्ष रे 5 लाख हजार कोटी पुंजी निवेश हे
ଯଦି ହଉଛି ଯଦି ହଉଛି ତ ଯଦି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଯୋଉ କହୁଛି ନିବଶିଲ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଟା ହଉଛି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଦନ ରହିବେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯୋଉ ମିଲେଟ ମିଶନକୁ ନେଇକି ଜୋରସୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଲେଟ ମିଶନକୁ ନେଉଥିଲା ଟିକେ ମିଲେଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୋଦେ ନେଇକି ଆସିଲା ପ୍ରଗତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟକୁ ଦିନେ ଏମିତି ଦିନ ଥିଲେ ଆଉ କିଏ ପଚାରୁ ନଥିଲେ ଫୁଡ଼ କର୍ପୋରେସନରେ ତ ଫୁଡ଼ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମିଲେଟଟା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ଡେ ବାଇ ଡେ ମିଲେଟର ଚାହିଦା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ନଜର ପକେଇଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇଟା ଆଶା ନିହାତି କରିପାରିବା କି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି କମିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଡେ ବାଇ ଡେ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟର ବଢ଼ନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନଜର ପକେଇବେ 2018 କଥା କୁହନ୍ତୁ 22 କଥା କୁହନ୍ତୁ 23 କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଦିନ ମାନରେ କେତେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆସିଥିଲେ କେତେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭଲ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯଦି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଟେରାକୋଟା କାମ କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାହିଦା ବଢିଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ହଉ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଘଟିବନି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯାହା ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆମ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶିଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଜି ଯେ ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଯଦି କୁହାଯାଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସରକାର ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଆମ ସରକାର ମୋହନ ମାଝିର ସରକାର ଯିଏକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାର ମନର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହୁଏତ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଆମର ମୋହନ ସରକାର ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାଟାରେ ଆଗରୁ ଯାହା ବି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ଏସବୁ ସବୁ ଜିନିଷର ସେ ଏମଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏମଓୟୁ ସାଇନ୍ ପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଆଉ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା କି ଅଫକୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ଆମର ବକ୍ସାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ହେଲା ଆମର ୱମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଦେନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମର ଦାଦନ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ପଳାଉଥିଲେ ଗୁଜରାତ କୁହନ୍ତୁ କି କେରଳ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରହିକି ଚାକିରି କରିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିବ ଏଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୋଉ 45,000 କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ 100 ଦିନରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଡାଟା ଅଛି ଆଗକୁ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷରେ 5,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ହବ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଏ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଦରକାର ଏ ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ପୁଞ୍ଜି ବଢ଼ିବ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର ବେଳେ ଏତେ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଏମଓଇ ସାଇନ୍ ହେଉଥିଲା ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ରହୁନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଭାବ ରହୁଛି ଆମକୁ ଜାଗା ଅଧିକରଣ ଦିଆଯାଉନି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଶା କାଳେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ଯାହାକି ଆଜି 5 ବର୍ଷରେ 5,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉ 100 ଦିନରେ 45,000 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସରିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ଯେହେତୁ ଆପଣ 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 ସେ ସରକାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଖୁସି ସେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ
जिनस कुआडे गला आमे तो कहि परिबुनु किंतु सेंटर रु हमरो नरेंद्र मोदी सरकार मध्य फोकस करिके देथिले सेबे देथिले एमओयू साइन होतला वास्तव एमओयू साइन होतला काहे कि होइ परतला वास्तव रे आपण भाबुचंति कोन कोन असुविधा रहउतला जा द्वारा पूंजी निवेशकारी ओडिसा आसुतले एटा साधारण जनतांक स्वार्थ 4.5 कोटि ओडियांक स्वार्थ कि कोनसे दलर कथा नो आपण मानक पिला बडीबे आपण सेरा केवल आज्ञा पेपर रे आमे देखितिलु एमओयू साइन हला पोस्को आसिले ये आसिले अलगा क्षेत्र तो छाड़ू केवल स्टील और माइनिंग रे जहाँ देखी थी आसुले जगह श्रमिकरण करुले सब करुले बट सेटा एमओयू परे और नेक्स्ट स्टेप आमे केबे देखि पारि नथिलु बट आशा अछि आशा कोन मु पूरा श्योर अछि वर्तमान रो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट निश्चित ए जिंसटा करिवे आ से केवल गोटी जगह रे फोकस करु नांती से अन्यन्य क्षेत्र रे फोकस करचंती 100 दिन रे आमे देखि सालुनु से कोन कोन करिचंती बहुत भलो करचंती आउ स्पेशली हमर जो यूथ तांको केमिति इन्वॉल्व करिवे तांकर केमिति एटा जुडा कि सेंटर रे भी आमे बहुत सुनि आछु मोदी जिंकर एटा गोटे ये कि हमर एम्प्लॉयमेंट दिया हबो ता ऊपर भी निश्चित भाव रे कार्य हबो फूड प्रोसेसिंग रो कथा कुआ जाउची जे जो योजना सब आसीबो फूड प्रोसेसिंग गोटे बड़ यूनिट आईटी सेक्टर भी करा रखा है केमिकल और पेट्रोकेमिकल ये 4-5 विभाग गुरुत्वपूर्ण दि जाऊँच आपड़ भावुंट ये सब उद्योग छाड़ी आउ किसी योजना जदि राज्य सरकार ओडिशा को आनते जहाद्वारा साधारण लोक साधारण महिला टे बर्तमान जो योजना चलती सुभद्रा योजना हुए तो स्वागत योग्य पदक्षेप किए 5,000 टंका नहीं गोटे छोट दोकान बड़ दोकान कर बहुत महिला स्वावलंबी होती पाखापाखि 25,11,000 लोक दि जाए आसंता 9 तारीख में आउ दि जाए ये गोटे बड़ योजना आपको अतृप्ति करहबन अस्वीकार कर दिजना वास्तव में ये जो योजना को छाड़े आउ कौन कौन सब योजना जेहेतु आप महिला अच्छा से योजना लोक को निहाती जो सृष्टि कर निजुक्ति सृष्टि कर देखो जिते गोटे नुआ फैक्ट्री टे आस बहुत महिला इनवल्व हे से महिला सशक्तिकरण को जो आक्षेप दिखाई से हम आउ गोटे जिन एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर मुझे चाहिए आम ओडिशा बहुत फैक्ट्रीज अच्छी बहुत जोड़ा कि बंद बीजेडी सरकार समय ध्यान देना बंद कर रखाई बीजेपी आम भारतीय जनता पार्टी से ऊपर लगिले जमीक आप देखते नयागढ़ चीनीकड़े नयागढ़ राकी पूरा नयागढ़ जिले में जितकी आम अच्छा श्रमिक से इनवल्व थे कहीं चाष जगह जितकी आखु चाषी सब थे से चीनीकड़ बंद है सब बाहर को पल किए गुजरात पल किए केरल पल कि चीनीकड़ को फोकस दिए कि खोला हूँ एंटायर नयागढ़ रोक सब आसिकना जगह रही कम पाइबे प्लस एग्रीकल्चर फिल्ड में कौन हम एग्रीकल्चर आम से देखिए आखु चाष कि करूना तो एग्रीकल्चर फिल्ड में भी आम डेवलपमेंट हम मानते महिला मैंने करें तो बहुत क्षेत्र रे यूथ हो महिला हो आमर श्रमिक माने हो आमर चासी भाई माने हो समस्ते उपकृत हेबे एटा मु भाबुची ए भलिया एटा होची केवल गोटिए चीनी कळ एमती आपण देखिबे बहुत सुता मिल कथा देखिबा झोटो मिल कथा देखिबा बहुत बहुत अछि जोटे की आज्ञा ताकु वास्तव रे फोकस खोला जीवा निहाती आवश्यक आपण भाबु जों आज्ञा ओडिसा होची गोटे सुनारो माटी मु कहिबे ओके आकु फोकस करले ओडिसा वर्तमान मु भाबुची आमर इंडिया रे द रिचेस्ट स्टेट हे परिवो आकु फोकस दिया हेनी 25 वर्ष रो जो सरकार से पैसा को कुआडे गला मु जानिनी किंतु यदि फोकस करी थांदे ओडिसा आज टॉप 5 भितरे थांदा इंडिया रो ओके मैडम मुझे आपन को हे तो से दिग को नहुनी जेतु आपन उद्योगी जने जानि शिल्प उद्योगी आ भारतीय जनता पार्टी के बहुत भलो पांती आमे बहुत जगह आपन को बाइट देखु छु वास्तव रे जेतो पूर्व सरकार रो थिला सेतो बले जो कंपनी माने आसुतले पानी टिके विवाद होतला महानदी प्रसंग मुझे नौ ना वास्तव में आम महानदी थे भी शुकिला पड़े वास्तव में जदि ये जो उद्योगी माने आसिबे पानी रो आवश्यकता रही पुणी बड़ बड़ कंपनी पापी ओडिशा छाड़ पानी मिललानी खरा दिन शुकिला पड़ा ये जो आपंकर डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार ये समस्या समाधान कर तो कंपनी आ फेरवे तो आप भाई जो 25 वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी आसी पदक्षेप नौ वन टू वन एम्बेसडर सहित मुख्यमंत्री देखा करेंगे वन टू वन जिते बसिकिना सब एम्बेसडर सहित कथा सी ये जिनसा को सल्व करेंगे निहाती भाव में आपको भी सल्व करेंगे कहीं चेष्टा कौन 100% चेष्टा रही कि केमी बाहर इन्वेस्टमेंट ओडिशा को आसू आ छोट छोट जहाँ भी प्रॉब्लम्स अच्छे से आग माइन्यूटली देखिक सल्व करें प्रथम स्टेप आगो आनी दे कि नुहे सब जिन चर्चा विषय अच्छे चर्चा करेंगे जानवे भितर को पशे जिनस को मुझे निक्से ओके निश्चित भाव में सक्सेस ये तो आम आशा प्रकाश निश्चित आउ गोटे कथा आपको जानवाक चाहिए
निश्चित भाव में उद्योगपति माने ओडिशा रे अनेक उद्योगपति माने अछन्ति से माने बिजनेस करबा को चाहौछन्ति तांकु सुविधा सुजोग मिलुनी ए कथा जदि आपन गणमाध्यम रे देखिबे चर्चा होय बड़ बड़ कंपनी मानंकु दिया जाउछि ओडिशा रे सेमानकर इच्छा अछि सेमानकर इच्छा अछि आमे कंपनी करबा पई सेमानकर इच्छा अछि आमे बिजनेस करबा पई वास्तव रे पूर्व सरकार तांकु ध्यान दिया जाउतला बोली दामी कर पूर्व सरकार रे मु जहा देखिछि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट देखिबे बड़ बड़ कॉन्ट्रैक्ट सो कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग हो जा हो ये सब कॉन्ट्रैक्ट आमे ओडिशा लोकंकु मिलु नथिला से कॉन्ट्रैक्ट रे गोटे लिमिटेड टाइम रे साइट खोले लिमिटेड लोक से देखी पारंती आ प्राय सब हमर साउथ साइड रे पळौथला कॉन्ट्रैक्ट गुडा मु एबे भाबु छी कि हम भारतीय जनता पार्टी हम जो सर मोहन सरकार निश्चित भाव रे ओडिया लोकन को आगु को नेबे ओडिया माटी रो हमर गोपबंधु कर माटी एठी निश्चित भाव रे ओडिया शिल्पपति नुआ नुआ आसीबे ओके निश्चित भाव नुआ नुआ शिल्पपति आसबे आपको तो नहीं आपंकर निहाति गोटे बड़ समस्या थी मुझे आम प्रतिनिधि कहते दिलीप आपड़ुवे हे तो आप लेट्रे आम आपको जोड़ू वास्तव में गोटे बड़ इश्यू देखा जाता भारतीय जनता पार्टी सरकार बेले दाबी कराला दादन कथा जे लोके माने आउ कंपनी क्यों बाहर को जीवन वास्तव में ये कथा भी गत सरकार देखा मिलता जितेबाड़ कंपानी आसी जाइए कंपानी आसी सारापर आम पा कंट्राक्चुअल काम करती गोटे समय सीमा छ मास दुई मास गोटे बड़ बड़ कंपनी की दि जाए आउटसोर्सिंग दि जाए जोटि की बाहर को 500-700 टंका दरमा थिला बेले तांकु 300-350 टंका रे खटा जाए एवं आम लोक से ही काम करती शाग माछ रेट रे कंपनी जगह निए आम लोक नई बाहर लोक आसती कथा हुए जे एक्सपर्टाइज आम ओडिशा पिला नहंती जहाँ आम बाहर लोक एक्सपर्ट कहला गत कथा मुझे जाऊँगी मैडम आप कथा जे चलता तो आम हटाई दि जाए से सरकार हटे नुआ सरकार आसे साधारण पर मोहन माझी सरकार ये घटना पुनरावृत्ति हेनी आउ गोटे कथा जी कंपनी ओडिशा अच्छा मोहन माझी सरकार ये जो पूंजी निवेशकारी अच्छा से कंपनी आसवे सहित आलोचना करवा दरकार जो ओडिशा युवक महिला एवं छात्र से जोड़ी हे ओडिशा रे जेते बळे होउची मु कहउची अमर धरंतु ए नामर जिंदल एमओयू साइन हेतिला पण जानिथिबे आज्ञा मु टिके आपन को रखिबी एथि पय ए प्रश्न को आउथरे आपन कते रखिबी एथि पय केंद्र पारादीप सीधा सळक जिबा जोटि की आ पारादीप बंदर अछि बंदर भितिक शहर पारादीप सहित सीधा सळक लाइव रे जोडी होचंती बिरज आपन को कार्यक्रम को स्वागत वास्तव रे आमे आलोचना करूचु बढ़ निजुक्ति जदि आप मो प्रश्न शुणी मुझे आउ थे प्रश्न को दोहराऊँ गत सरकार समय रे जेतबले आलोचना आमे करूथलु बहुत बार आलोचना करूचु कंपनी माने ओडिशा आसीचंती ओडिशा रे युवक युवती मानंकु दायित्व दियंती नाही काम दियंती नाही एवं जदि काम दियंती जो काम कि स्वीपरिंग काम बा लेबर काम रे सेमानकु नियुक्ति करा जाय जेतबले बड़ बड़ कंपनी अधिकारी सहित आपण आलोचना करिसंती आमे आलोचना करूचंती भारतीय जनता पार्टी सरकार विरोधी रे थेला बले सेतबले आलोचना करा जाय गोटिए कथा बाहरे जे एक्सपर्टाइज नाहंती एक्सपर्टाइज पिला पे आमे बाहरु बा पिला आणुचु बा चाकिर दोउची वास्तव रे मो सहित जने शिल्प उद्योगी अछंती मैडम मध्ये अछंती आमे सहित आलोचना करूथिले वर्तमान पूंजी निवेशकारी ओडिशा आसिबे दुई दिन धरी मुख्यमंत्री ओडिशा जाइचंती वास्तव में दिल्ली ग्रस्त अछंती आसंता पांच वर्ष रे पांच कोटी निवेश योजना करा जीवो ओडिशा रे जहार सुफल मिली सौ दिन रे 45 कोटी टंका विनियोग करा जाय छी ओडिशा रे मु आपन तो जानिया को चाहू छी पारादीप अंचल पूर्व ओडिशा रो लाइफलाइन को आ जाय पारादीप बंदर अछि बहु कंपनी आसी चंदी अनेक कंपनी आसीबे फुनी से जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा पारादीप कटक निहाली ए अंचल निहाती कार्यक्रम हम ये सेपटे पा अच्छी जंगल जमी अच्छी बहुत फांका जमी अच्छी जो शिल्प करहब वास्तव में आम लोकंर दुख दूर हम ना ना बिरोजा हाँ निश्चित भाव शारदा आम गोटे कथा कहवा जो शिल्पर कथा पड़ी निजुक्ति कथा पड़ी जो सरकार तरफ जो विभिन्न जो पूंजी निवेशक मान को आकृष्ट करने सहित आलोचना चली किभली भाव में आम ओडिशा रे शिल्पर हब प्रतिष्ठा हम स्थानीय जो बेकार युवक युवती मैंने किपर निजुक्ति पाए ओडिशा अर्थनैतिक स्तर में मजबूत हम तो एने जो सरकार तरफ जो प्रक्रिया चली निश्चित भाव में एक स्वागत योग्य पदक्षेप अने पक्ष कहवा जेहेतु रही ओडिशा जे कि रही बीजेपी रे रही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी वर्तमान दिल्ली गस्त अच्छा पूंजी निवेशक मान सहित से आलोचना करेंगे किभली भाव में ओडिशा रे शिल्प प्रतिष्ठा हम ओडिशा बेकारी समस्या किभली भाव में दूर हम निश्चित बिरजा मोर प्रश्न रही शिल्प मंत्री संपद स्वाई आपण जिला जगत सिंहपुर जिला से गोटे प्रतिक्रिया रखी आपण निश्चित मन पड़ जे पारादीप अंचल जगत सिंहपुर शिल्प रे हब हब वास्तव में शिल्प मंत्री दिल्ली ग्रस्त कर
दुई दिन धरी कनक्लेव हम जानुरी पांच वर्ष पांच लक्ष कोटी टंका विनियोग करा जीवो मु जो कथा कहती केन्द्रापड़ा उपकूल ओडिशा बा पूर्व ओडिशा विकास कथा भारतीय जनता पार्टी चिंता करथिला ताकू नै वर्तमान सरकार को आसी पूर्व ओडिशार विकास हुए तो पूर्व ओडिशार ओडिशा आसी पारुची झारखंड अछि झारखंड वर्तमान फोकस करा जे छत्तीसगढ़ ये तीनटा स्टेट हेइ थाइ पारे किंतु वास्तव में केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पारादीप ये जो अंचल अछि ये अंचल रे पूंजी निवेशकारी आसी चंदी शिल्प करी चंदी किंतु गत कथा रे देखा जायतला बहु पिला काम पाइनांती एवं बाहर कंपनी काम पाई नुआ सरकार आसी नुआ कंपनी आसी वास्तव में आउ से असुविधा हबनी बोली बिरजा आप भावुंत कि तो निश्चित भाव में जहाँ कह जो प्रश्न रही निश्चित भाव से उत्तर रखा जहाँकि आम पूर्व देखीजे जैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जितेबाला आसी पारादीप आईओसीएल उद्घाटन करते सहित प्रधानमंत्री नारा रही पूर्व भारत विकास द्वारदेश पलट पारादीप बंदर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा पुरी बालेश्वर कह गोपालपुर सब उपकूल अंचल पलट स्लीपर हब ए सब अंचल पलट भारत पूर्व भारत विकास द्वार तेणु आम कह बंदर नगरी जहाँ रही बंदर नगरी जहाँ शिल्प नगरी बर्तमान परिणत होती पारादीप बंदर कथा कह जो पारादीप बंदर आज ओडिशा लाइफ लाइन शिल्पर द्वार शिल्पर प्रमुख द्वार देश पलटी तेणु ये विभिन्न समय जो कहते शिल्प निर्माण हम आज निश्चित भाव शिल्प निर्माण करेंगे सरकार यह स्वागत योग्य पदक्षेप जिते शिल्प प्रतिष्ठान गढ़ी उठब से मात्र साधारण लोक समस्या दूर हम किए सहयोगी अच्छा कि कौनसी शिल्पपति अच्छा कि पारादीप आपण जदि तर रिएक्शन मिल हुए तो खुशी लगता ये वास्तव में कौन सब शिल्प नहीं लोके खुशी अच्छा पारादीप नुआ सरकार को नहीं आम खुशी अच्छा सारा ओडिशा लोक खुशी अच्छा जहाँ आम पाखे तथ्य अच्छी शहे दिन में 45,000 कोटी टंका नवेश वर्ष लक्ष कोटी टंका नवेश हम ये गोटे खुशी कथा आम युवक मैंने चाकरी पाइबे महिला मैंने चाकरी पाइबे आम आउ बाहर को जीव ना आम आउ दादन खटबू ना आम आउ ओडिशा छाड़ जीव ना आम अंचल आम चाष करूँ जहाँ मैडम मो सहित आलोचना करुले सब विभाग में जो बंद रही जो कंपानी जेहेतु जन शिल्प उद्योगी भारतीय जनता पार्टी की भल पाती भारतीय जनता पार्टी आइडियोलोजी सहित अच्छा से गोटे कथ कौन जो कंपानी मैंने बंद कर से कंपनी माने खोलिबो ये गोटे खुशर कथा निश्चित भाव में ताप्रति दायित्ववान अच्छा आम मुख्यमंत्री दुई उपमुख्यमंत्री आपण जिलार होती संपद स्वाई जे कि अच्छा शिल्पमंत्री किसी रिएक्शन नियंतु पाखे किए अच्छा कि आपण शिल्प आयोग सहित आलोचना करूँ वास्तव में पारादीप के खुशी देखा जा पारादीप जो लाइफ लाइन कहुए शिल्प से शिल्प डेभलप हेल्ले पारादीप अंचल लोक दुख आउ रही युवक मैंने बाहर को जीवना हाँ निश्चित भाव में आम सहित रही कि पारादीप अंचल जन जनाशुना बुद्धिजीवी एवं रही कि शिल्प जो पारादीप रही विभिन्न शिल्प प्रतिष्ठान यह सहित अंगांगी भाव जड़ित बहुत किसी कार्य रही जेहेतु भारतीय जनता पार्टी जन सक्रिय कर्मी और पारादीप नगर मंडल बीजेपी जे रही सभापति सुब्रत कुमार प्रधान तो आम सहित कथा हवा एमबीस टीवी को स्वागत कौन कह बर्तमान जेहेतु रही पारादीप विधायक ओडिशा सरकार शिल्प मंत्री संपत चंद्र स्वाई बर्तमान जो निर्वाचन समय जो पारादीप को एक विकसित पारादीप भाव गठन करेंगे पारादीप को शिल्पर हब करेंगे पारादीप बेकारी निजुक्ति समस्या दूर हम पारादीप को किपर डेभलप कर जो नारा देते बर्तमान मोहन चरण माझी सरकार बर्तमान शिल्प प्रतिष्ठान किभली भाव में प्रतिष्ठा हम बेकारी समस्या दूर हम दादन समस्या किभली दूर हम स्थानीय अंचल आम पूर्व देखी अनेक शिल्प प्रतिष्ठान जितियों आंतर्जा स्तर शिल्प प्रतिष्ठान गढ़ी उठी किंतु ये आम देखीचे जो लोक मैंने निजुक्ति पाई से बाहर को जा दादन खटा को कौन कह वर्तमान जो शिल्प मंत्री प्रयास एवं मुख्यमंत्री जो प्रयास ओडिशा को एक विकसित ओडिशा रे गठन करेंगे एवं शिल्प हब पलटा ओडिशा जहाँ रही प्रमुख अंचल रही पारादीप बंदर तो इन्हें कौन कह आगामी दिन में शिल्प मंत्री और मुख्यमंत्री जो प्रयास रही द्वारा साधारण जनता के उपकृत हो पारे साधारण जो रही स्थानीय जो बेकार युवक युवती केत मात्र उपकृत हो पारे नमस्कार आज आम जो माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में दुई दिनिया दिल्ली ग्रस्त आगामी जनवरी 25 रे जो हवा को ओडिशा कॉन्क्लेव आज तार जो प्रस्तुति दुई दिनिया विभिन्न देश एंबेसडर को डाकिबा वन टू वन आलोचना करिबा एवं रोड शो करिबा एटा दर्शाउछि आगामी दिन में बीजेपी जो स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जो प्रतिश्रुति विकसित ओडिशा गठन करिबा आम सरकार 100 दिन पूरण करू करू तापे त्वरित पदक्षेप लेछि वर्तमान केमती ओडिशा रे शिल्प सुस्थ वातावरण सृष्टि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जोगे हम
ପାରାଦୀପର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ, ପାରାଦୀପରେ ହଉ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ, ପାରାଦୀପରେ ହଉ, ଆମ ଲୋକ ଆମ ପିଲା କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ, କାମ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ? ଆଗ ଭଳି ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ଥିଲେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାରାବାଜି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ସରକାରରେ ଆମ ପିଲା କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ଆସିବ, ଶିଳ୍ପ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି, ଆମ ପିଲା କାମ ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ରିଆକ୍ସନ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରିବି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରହିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସରକାର ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆସିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ, ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ? ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ MOU କରାହଉଥିଲା କେବଳ ଖାତା ପତ୍ରରେ ଥିଲା, କେବଳ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ, ଏଠି ଖାଲି MOU ହବନି, ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଶିଳ୍ପ ହବ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁପଯୋଗୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାହବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଭାରି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆମର ବିରଜା, ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କେଦାର ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଖୁସି କଥା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ହବ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ BJP ସରକାର ଏହାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ତାର ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି 100 ଦିନରେ ଭିତରେ 45,000 କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା 100 ଦିନର ଗାଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ଆଉ ଲୋକେ ଦାଦନ ଯିବେନି, ଯୁବକ ଆଉ ଦାଦନ ଯିବେନି, ଆମ ଯୁବକ ଆମରି ରାଜ୍ୟରେ କାମ ପାଇବେ, ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଗୁଜୁରାଟ, ସୁରାଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କେଦାର ମିଶ୍ର, ଆପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? 2 ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ କେଦାର ମିଶ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆସେ। ତ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରନ୍ତି ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ହେଇ ନାହିଁ। ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାଂଶରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 100 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗତ ସରକାର ସମୟର ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୋ ଥିଲା ତାର ସେଇଟା ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ଏଇ ସରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏଇ ସରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଯାଇକରି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ। ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବଢିବ, ନଚେତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମାନ ସେ IT ସେକ୍ଟର, ସେଇ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢେଇବେ ସେଇଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, IT ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କେମିକାଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି 5 ବର୍ଷରେ। ସେଇଟା କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ କେତେ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ? ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହ୍ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଗୁଡା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର JSW କଥା ଉଠୁଥିଲା ଯୋଉଟା ଉଠିଯିବ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ରିଟେନ୍ କରି ନପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଅପରଚୁନିଟି ଲୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ ବଗି କାରଖାନା ହବା କଥା ଜୁନାଗଡ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, JSW ଯିବନି ବୋଲି ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୁଦ କେଦାର ମିଶ୍ର। ନାଇଁ JSW ତ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କରି JSW କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ବାହାରୁଛି ତାର କ୍ଲାରିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଆଟମସ୍ଫିୟର ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନେଟୱାର୍କିଂ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଚାହୁଁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଇଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବଟ୍ ଭାରତର ବିଜନେସ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ହଉଛି ବମ୍ବେ।
ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ବମ୍ବେ ଯାଇକିରି ଇନଭେଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ବହୁତ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟର ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରଦା ତ ଯୋଉ କଥା କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜମିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେମାନେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହବ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛେ ବିଗତ ଦିନରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କହିବା ଏଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ କଥା କହିବା ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କହିବା ପିପିଏଲ୍ ଯାହାକି ବହୁ ପାରାଦୀପର ସର୍ବ ପୁରାତନ କମ୍ପାନୀ ପିପିଏଲ୍ କଥା କହିବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ 40 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ ତେଣୁ କହିବା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଆସୁଛି ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ପାରାଦୀପକୁ ଏକ ବିକଶିତ ପାରାଦୀପ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନାରା ରହିଛି ଯେକି ପାରାଦୀପକୁ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ 100% ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଆସିଛି ଏହି ସମସ୍ୟାର ନିହାତି ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନଚେତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସେଇ ବେକାର ରହିଯିବେ ସାରଦା ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ପାରାଦୀପରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାରମ୍ବାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବିକଶିତ ପାରାଦୀପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆର ବିକାଶ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ିବ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ ବାସ୍ତବରେ ଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିରଜା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେବସ୍ମିତା ଶୋକୁ ସାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶିଳ୍ପ ଆସିବ 5,00,000,000,000 ଶିଳ୍ପ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଷମା କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ ଆର ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା January 28 or 29 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ ବାସ୍ତବରେ ମହିଳା ଏମାନଙ୍କର କେତେ ଭୂମିକା ରହିବ ବା ମହିଳା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କେତେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ସାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇବ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 2 ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 5,00,000,000,000 ନିବେଶ କରାଯିବ ବା ଯେଉଁ ନିବେଶ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାର ହିସାବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ITକେମିକାଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଆକୁ ନେଇ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଦରକାର ଯାହା ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର କାରଖାନା ହେଉ ବା ସୂତା ମିଲ୍ କଥା ହେଉ ବା ଚିନିକଳ କଥା ହେଉ ସେ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିବା ଦରକାର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବସତି କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ 100 ଦିନର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବା ବା ଭରସା ଦେଖିବା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ
दादन खटिबा को जानतु नाही एवं निज निजुक्ति पांतु निज शिक्षागत हिसाब रे निजुक्ति पांतु आउ जो माने जमी जंगल हरैचंती बा जागा जमी हरैचंती से माने सागो माछ रेट रे जागा दियंती से मानुकु आउ हैरान हरकत न करा जाउ से मानुकु आउ दुख न दिया जाउ शिल्पर बड़ हप ओडिसा एवं जो आशा प्रकाश रखिचंती 4.5 कोटी ओडिया मोहन माझी सरकार उपरे निजुक्ति निश्चित भाव में बढ़ बेकारी हटव ता निश्चित भाव में पूरण हो। दर्शक बंधु कार्यक्रम यही रखा रोजु नमस्कार।